भक्तों, ओम शिवाय, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि 11 दिसंबर को मासिक प्रदोष का महापर्व आ गया है। जी हाँ भक्तों, जो महीने में एक बार जो प्रदोष पड़ती है ना, उसका जो महापर्व है वो आ गया है। तो कौन सा उपाय करें, कैसा उपाय करें कि जो महापर्व है, तो आपकी भी जो मनोकामना है जो कि वर्षों से पूरी हो नहीं रही है, आपने बहुत ज्यादा प्रयास कर लिया है, बहुत ज्यादा ही आपके जीवन में कष्ट है, चाहे व्यापार से रिलेटेड हो, बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड हो, बीमारी से रिलेटेड हो, तो प्रदोष काल में अगर आपने उपाय किया तो आपकी सारी की सारी जो परेशानियां वो दूर होंगी और आपकी सारी की सारी जो मनोकामना है वो भी पूरी होंगी। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि प्रदोष का उतना ही फल है जैसे आप महाशिवरात्रि को पूजन करते हैं, जैसे आप सोमवार की अष्टमी को पूजन करते हैं। तो अगर आपने ये उपाय प्रदोष के दिन भी कर लिया, मासिक प्रदोष के दिन, तो आपकी सारी की सारी मनोकामना पूरी होने वाली है। तो चलिए हम बताते हैं उपाय कौन सा है। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे समझ के आपको मैं उपाय बताने का प्रयास करूंगा। दो उपाय मैं आज आपके लिए लाया हूँ, एक नहीं दो लाया हूं, दोनों उपाय आपको ध्यान से सुनना है। तो चलिए हम बताते हैं उपाय कौन सा है। लेकिन उससे पहले, चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्र के रोज नए नए उपाय, जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूं, श्रवण करता हूं, सबसे पहले आपको प्राप्त करा सकूं। देखिए, जो हमारा पहला उपाय है उसको हम ध्यान समझते हैं। आपको इस उपाय में चाहिए क्या क्या? आपको चाहिए एक बेलपत्र, एक धतूरा, 11 मूंग के दाने, एक गुड़ और एक लोटा जल। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, अच्छे समझिएगा। आपको इस उपाय में क्या क्या चाहिए? आपको चाहिए एक बेलपत्र। बेलपत्र आपको ध्यान रखना कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए। धतूरा एक चाहिए, 11 मूंग के दाने चाहिए और एक गुड़ चाहिए और एक लोटा जल। अब आपको शाम के समय, मतलब प्रदोष काल में, आपको क्या करना है, अपने जो घर है, एक लोटा जल है वो आपको अपने घर से ही जल लेके जाना है, मंदिर से आपको जल नहीं लेना है। अब लोटे में आपको एक बेलपत्र, धतूरा, मूंग और गुड़ सब डाल लेना है, सब सारी की सारी चीजें आपको डाल लेना है और पहुंच जाना है शिव मंदिर। अब शिव मंदिर में सेम टू सेम वही करना है। आपको क्या करना है, आपको दक्षिण दिशा की ओर खड़े होकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके आपको ये अर्पित कर देना है। बिल्कुल स्लो मोशन में करिएगा, आपको अर्पित कर देना और अपनी जो भी मनोकामना वहां खड़े खड़े मांग लेनी है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा करने वाला व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला, अगला जो प्रदोष आएगा, जो अगला मासिक प्रदोष आएगा, उसी के बीच आपकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अतिशीघ्र रूप से पूरी कर ही कर देते हैं। तो आप ये उपाय अवश्य रूप से कर लें। ये था हमारा पहला उपाय। जो दूसरा उपाय है वो है धतूरे और बेलपत्र के कांटे का। इसको आपको कैसे करना है, आपको लेना है एक धतूरा। अब आपने धतूरा ले लिया, उसके साथ आपको क्या चाहिए, 7 बेलपत्र के कांटे। आपको बेलपत्र नहीं चाहिए, बेलपत्र के जो कांटे होते हैं ना वो आपको चाहिए, कितने, 7। अब आपने 7 बेलपत्र के कांटे ले लिए, एक धतूरा ले लिया और पहुंच गए शिव मंदिर। अब आपको सेम टू सेम दक्षिण दिशा की ओर खड़े होके भगवान महादेव का एक सुंदर सा नाम है चंद्रमौली, क्या, चंद्रमौली महादेव का नाम लेके ये आपको धतूरा और बेलपत्र के 7 कांटे अर्पित कर देना है और अपनी जो भी मनोकामना है मांग के चुपचाप अपने घर चले आइएगा। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र अगले महीने के अंदर ही अंदर आपकी जो भी मनोकामना आप प्रदोष के दिन मांग के आए हैं, सारी की सारी पूरी हो जाएंगी। तो ये उपाय, ये दोनों उपाय हैं, आपको कर लेने हैं और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दीजिए।